राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। इसी के साथ प्रदेश में 19 जून शुक्रवार रात 8:30 बजे तक 299 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14,156 हो चुकी है। वहीं अब तक प्रदेश में कुल मौतों का आंकड़ा 333 पहुंच चुका है। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात 8:30 बजे तक एक्टिव केस की संख्या 2,826 हो चुकी है। कुल 10,997 रिकवर्ड केस हैं। हालांकि इन डरावने आंकड़ों के बीच राजस्थान में रिकवरी प्रतिशत 75 से ज्यादा चल रही है, जिसकी वजह से लोगों में कोरोना का भय कम हुआ है। राजस्थान में शुक्रवार रात तक आए आंकड़ों के अनुसार अजमेर से 4, अलवर से 14, बाड़मेर से 12, भरतपुर से 55, भीलवाड़ा से 14, बीकानेर से 26, चित्तौड़गढ़ से 1, चूरू से 13, धौलपुर से 6, डूंगरपुर से 1, गंगानगर से 8, हनुमानगढ़ से 3, जयपुर से 33, जैसलमेर से 1, जालौर से 1, झालावाड़ से 2, झुंझुनू से 14, जोधपुर से 38, नागौर से 16, पाली से 24, राजसमंद से 2, सवाईमाधोपुर से 1, टोंक से 6 और उदयपुर से 1 व अन्य राज्यों से 3 नए कोरोना केस सामने आए हैं। बता दें कि राजस्थान सरकार प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर नागरिकों को जागरूक करने के मकसद से 21 से 30 जून तक प्रदेश व्यापी अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत राजस्थान देश में एक ऐसा पहला राज्य होगा जो प्रदेश स्तर पर इतना बड़ा अभियान चलाने जा रहा है।